रविवार को जन सुराज के बैनर तले तकरीबन 150 बच्चों के बीच जन सुराज मीरगंज नगर अध्यक्ष श्री रवि केसरी जी के द्वारा डिक्शनरी वितरण का कार्य किया गया। रवि केसरी ने बताया कि शिक्षा के लाभ सिर्फ शब्दावली विस्तार से कहीं बढ़कर है, बल्कि इसमें बेहतर संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि और क्रॉस कल्चरल प्रशंसा भी शामिल है। बहुभाषी शिक्षा का समर्थन करके हम विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के बीच की खाई को पाट सकते हैं, शांति और एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल व्यक्तियों को उनकी मूल भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि वैश्विक सहयोग और सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान को भी प्रोत्साहित करता है। इसके साथ ही सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए 9721697216 पर उनके माता पिता के द्वारा मिस कॉल करने के लिए अपील किया। इस दौरान मनिंदर कुमार, विनोद गुप्ता, मृत्युंजय कुमार एवं प्रियेश कुमार आदि मौजूद रहे। तो आज के कार्यक्रम 8 सितंबर को साक्षरता दिवस के अवसर पे बहुत सारे बच्चों को मेरे द्वारा जन सुराज के बैनर तले डिक्शनरी देने का काम किए और आगे भी काम करते रहेंगे। अगले बार भी 2 अक्टूबर को पद यात्रा के पक्ष में मैं बहुत सारे बच्चों को डिक्शनरी वगैरह बांटा था और आगे भी गांव-गांव में पता किया जा रहा है क्या लोगों के अंदर कमी है और सबके साथ उनके गार्जियनों को भी प्रेरित किया जा रहा है कि 97216 पर मिस कॉल दें और हमारे जन सुराज के संस्थापक सदस्य बने और आगे जैसा जैसा मैंने व्यवस्था बनेगा सरकार अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ेंगे तो और हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो कमी बेसी है गांव में उसका हम लोग दूर करेंगे। शिक्षा पर भी हम लोग जोर दे रहे हैं, जैसे कि हमारे प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि जन सराज की के मतलब कि आपकी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम हम लोग शिक्षा पर करेंगे। तो बिहार में तो 30 साल से कोई व्यवस्था नहीं है। एक हमारे यहाँ मीरगंज के पास डिस्टिलरी शराब फैक्ट्री हुआ करता था, शुगर मिल हुआ करता था, सब बंद पड़ गया, सब वीरान हो गया, प्लेन हो गया, कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो यहाँ के लोग तो कमाने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कहीं कहीं जा रहे हैं और हम लोगों का बाजार सुना पड़ गया। पहले हमारे यहाँ टॉप क्वालिटी का चीनी निकलता था, बैक पाइपर शराब फैक्ट्री यहाँ से था निकलता था। कुछ हमारे यहाँ के विधायक जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने आए थे तो बोले कि इस मिल से धुआं निकाल देंगे तब हम फिर दोबारा वोट मांगने आए। तो धुआं का 20 साल से धुआं बंदे हो गया ना, कभी वहाँ वोट मांगने आते हैं, गाँव दूसरा गाँव में घूम के चले जाते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। हमारी सरकार क्या, प्रशांत किशोर सर का जन सुराज का सरकार सबकी सरकार है। अगर ये सरकार बनी तो आप निश्चिंत रहें कि बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होगा, बिजनेस में बदलाव होगा, फैक्ट्री कर कारखाना लगेगा, शिक्षा पर काम होगा। ये सोचना ही नहीं है, मैंने कभी सोचे नहीं है, वो काम करके दिया जाएगा। प्रशांत किशोर सर हमारे जो बोलते हैं वही करते हैं, ऐसा नहीं कि धूर्तबाजी वाले सारे नेता जी के तरह काम करते हैं, एकदम बोल्ड हैं, बोल्ड ही काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज़, मीरगंज।